कोरोना संक्रमण का उपचार कराने के लिए महिला कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज महाभारत और रामायण जैसे धार्मिक सीरियल के साथ आईपीएल के रोमांच का भी मजा ले सकेंगे। वहीं भर्ती मरीजों को योग क्रियाओं के माध्यम से भी स्वस्थ करने के प्रयास किए जाएंगे। मरीजों में सकारात्मक वातावरण बना रहे इसके सभी इंतजाम कोविड केयर सेंटर में किए गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर के खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर में बनाए गए माँ अहिल्याबाई कोविड केयर सेंटर में मरीजों को सकारात्मक वातावरण देने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं ताकि वे जल्द स्वस्थ हो सके। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रयास है कि यह जल्द शुरू हो जाए। यहाँ दवा व किट भी आ चुकी है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जैसे इस जगह पे 100 आ गई है, ऐसे जहाँ से अधिक से अधिक हो सकता है हम लोग कर रहे हैं व्यवस्था। वो बस यहाँ पर प्लांट भी लगवाया जा रहा है कि अगर यहाँ पर, चूँकि ये स्ट्रेंथ अभी 10 दिन के अंदर 2000 की स्ट्रेंथ में पहुँच जाएगा, ये तो यहाँ पर कोई मरीज को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है तो कुछ बेड्स में ऑक्सीजन रहे जब तक कि अस्पताल में शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोविड केयर सेंटर मात्र है। ये सिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम के मरीजों के लिए जो दवाई से ठीक हो सकते हैं, ये अस्पताल नहीं है ये। इसलिए यहाँ पर टेम्प्रेरी अस्पताल में जगह अगर नहीं मिलती है तो टेम्प्रेरी एक दो दिन रखने के लिए अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आता है उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पर सर ये आज से प्रारंभ हो जाएगा कोविड केयर सेंटर? प्रयास है कि आज से प्रारंभ हो जाए और पेशेंट यहाँ लाना शुरू कर दे। ये कोविड केयर सेंटर जो ऐसे मरीज हैं जो आज घरों में हैं, खासतौर पर लसुड़िया थाना क्षेत्र, कनाड़िया थाना क्षेत्र, राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र, अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र, भवरकुआ थाना क्षेत्र, इस परिफेरी में बहुत सारी संख्या में यहाँ पॉजिटिव मरीज आए हैं। परिफेरी के थानों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है, सबसे ज़्यादा मरीज इसी थाना क्षेत्रों में है। यहाँ के मरीजों को जो कोमोर्बिड हो सकते हैं, जो उम्र ज़्यादा है, जो घरों में रह के अगर दवाई ठीक से नहीं मिली, इलाज ठीक से नहीं हुआ तो वो गंभीर हो सकते हैं, उनको यहाँ रख करके ठीक किया जाएगा। बेसिक दवाइयाँ जितनी भी हम लोगों की सब दवाइयाँ आ चुकी हैं, किट आ चुके हैं और उन सबको यहाँ पर प्रयास रहेगा कि ठीक करें। उससे जो उन मोहल्लों से जो लोग अब निकलते हैं 10-15 दिन बाद सीरियस होकर के, उस पर आगे की संक्रमण की स्पीड में तबीयत खराब होने में हम लोग ब्रेक लगाएंगे। ये बेसिकली योजना है इसकी। सेंटर में भर्ती होने वाले मरीजों के मनोरंजन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यहाँ 10 विशाल LED स्क्रीन भी लगाई गई हैं, जिस पर धार्मिक और सकारात्मक संदेश देने वाले कार्यक्रम प्रसारित करने के साथ ही IPL के रोमांच का भी लुत्फ मरीज ले सकेंगे। देखिए, जिस प्रकार से कोविड का संक्रमण तेज़ी से बढ़ा था और जितने भी अपने शहर में पेशेंट्स हैं उसमें से बहुतों को तो जो यहाँ के अस्पताल हैं उनको कैटर कर रहे हैं, लेकिन जो प्रारंभिक लक्षण वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए जिला प्रशासन द्वारा, इंदौर द्वारा ये कोविड केयर सेंटर की संकल्पना की गई और पिछले लगभग 7-8 दिनों में हम लोगों ने इसमें प्रयास कर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा कम्प्लीट किया है। तो एक सभी इसमें बड़े LED के स्क्रीन्स लगाए गए हैं जिसमें कि वो अपने मनपसंद कार्यक्रम वगैरह देख सकेंगे और साथ ही में एक परिसर यहाँ पर जो साइड में है लगभग 1,00,000 स्क्वायर फीट का, वहाँ पर योगा और अभ्यास, बाकी वहाँ पर कुछ एंटरटेनमेंट की व्यवस्थाएं, चर्चाएं, ये क्षेत्र भी रहेगा जो वहाँ पर उनको प्रदाय किया जाएगा। राज्य कोविड सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे के मुताबिक 4 ब्लॉक में 4 अस्पताल सुपरविजन यहां करेंगे। यहां 2 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही यहां की अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी उन्होंने दी। तो पहले चरण में ये जानकारी दी होगी कि 6,200 बेड का पूरा अल्टीमेट प्लानिंग है और पहले चरण में जो अपन शुरू कर रहे हैं 600 पलंग शुरू कर रहे हैं। दूसरा 600 पलंग का जो काम है वो शुरू हो चुका है, उसका कंस्ट्रक्शन अंडर निर्माण है और कुछ समय में 4-5 दिन में उसकी भी तैयारी करेंगे। मेडिकल सुविधाओं की दृष्टि से इस 600 बेड को 4 भाग में बांटा गया है। 4 भाग के 4 पेरेंट हॉस्पिटल्स हैं, या ऐसा जिनको हम बोलेंगे जो सुपरविजन करने वाले अस्पताल हैं। जो ब्लॉक ए है वो अपोलो हॉस्पिटल, बी बॉम्बे हॉस्पिटल, सी चोइथराम हॉस्पिटल और डी जो है मेदांता हॉस्पिटल देखेगा। ऐसे 150-150 पलंग चारों ब्लॉक्स में रखे गए हैं और ये चारों अस्पताल सुपरविजन का काम करेंगे। कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की व्यवस्था की गई है और 2 छोटे ऑक्सीजन प्लांट जो 100 पलंग पर ऑक्सीजन दे सकते हैं उनका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, परंतु वो 12-15 दिन उस पूरे निर्माण कार्य में लगेगा। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लो फ्लो ऑक्सीजन देने की सुविधा अभी है। यहाँ एक लैब का निर्माण भी है तो जो बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो भी सारे किए जा सकेंगे। हर 4 घंटे में मरीज को एक नर्सिंग और एक मेडिकल टीम मॉनिटर करेगी। ब्लॉक्स में बांटा गया है तो लगभग 36-36 के जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उसमें एक नर्सिंग स्टेशन है जिस पर कि एक नर्स 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। ड्यूटीज़ में डॉक्टर भी उसमें 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे।
देखा जाए तो इस कोविड केयर सेंटर में मरीजों को सकारात्मक वातावरण देने के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।